हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और मंगलयान को अर्थ से मार्स तक पहुंचने में 9 महीने लग गए थे, लेकिन अब ये दूरी तय करने में लगने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 100 दिन। नामुमकिन सा लग रहा होगा, राइट? लेकिन इस अनबिलीवेबल चीज को पहली बार नासा के वैज्ञानिकों ने बिलीवेबल करके दिखाया। दरअसल प्रेजेंटली नासा 2 ऐसे न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट्स पर काम कर रहा है जिनकी स्पीड और पावर दुनिया के वेल डेवलप्ड स्पेसएक्स के फाल्कन रॉकेट्स के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है। इसका मतलब समझ रहे हो, जहां अर्थ से प्लूटो तक का डिस्टेंस तय करने के लिए 10 साल से भी ज्यादा समय लग जाता था, वहीं ये डिस्टेंस हम 4 सालों के अंदर अंदर पार कर सकते हैं। पर क्या हकीकत में इस टेक्नोलॉजी का आज के समय में ऑपरेशनल हो पाना संभव है? क्योंकि स्पेस ट्रैवल में एज यू नो दुर्घटना से देर भली। इफ यस, तो नासा कैसे इतनी हाई स्पीड को अचीव कर रहा है? वेल, पिछले 100 सालों में स्पेस ट्रैवल को लेकर हमारे आइडियाज काफी चेंज हो चुके हैं। 1657 में लोगों को लगता था कि फटाकों के मदद से किसी भी बड़े रॉकेट को स्पेस तक प्रोपेल किया जा सकता था। वेल, अगर देखा जाए तो ये आइडिया इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि सिर्फ लिक्विड या सॉलिड फ्यूल को जलाकर एनर्जी क्रिएट किया जा सकता है। इनफैक्ट जब सबसे पहला रॉकेट बम्पर WSE बनाया गया, तब उसे इसी आइडिया के बेसिस पर सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था, और यही वो पल भी था जब से शुरू हुआ रॉकेट बनाने का सिलसिला। आज की तारीख में रॉकेट बनाना कंपैरेटिवली काफी ज्यादा इजी हो गया है। इंडियन स्पेस एजेंसी अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट भी बना लिया है। इस रॉकेट की टेस्टिंग तक सक्सेसफुली हो चुकी है और दिसंबर खत्म होने से पहले एक और दूसरा 3D प्रिंटेड एंड इवन रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च होने वाला है। इनफैक्ट आज के तारीख में हमारे पास जो सबसे पावरफुल रॉकेट है वो भी एक केमिकल कंबशन रॉकेट ही है, जिन्हें यूज करके आने वाले कुछ ही सालों में इलॉन मस्क लोगों को मार्स पर बसाने के प्लान्स बना रहे। सो बेसिकली ये टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे काफी वाइडली यूज्ड और काफी हद तक सक्सेसफुल भी है। इसमें होता ये है कि इंजन में एक कंट्रोल्ड और कंटीन्यूअस एक्सप्लोजन क्रिएट होता है, जिसके मदद से रॉकेट्स को स्पेस में लॉन्च किया जाता है। फर्क सिर्फ बस इतना है कि इस मेथड में अपग्रेडेशन करते हुए स्पेसएक्स के इंजीनियर्स ने इस केमिकल कंबशन से ज्यादा एनर्जी क्रिएट करने का और उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने का तरीका ढूंढ लिया। आज के तारीख में किसी भी रॉकेट की एफिशिएंसी बढ़ाना रॉकेट साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब रॉकेट साइंस का नाम पहले से ही बदनाम है, क्योंकि लोगों को लगता है ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन असल में इसे समझना काफी सिंपल है। इसमें लिटरली फंडामेंटल लेवल पर एक लॉ यूज होता है, जो है न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन। You know, every action has an equal and opposite reaction. उसी तरीके से every force has an equal and opposite reaction. So basic chemical engines में fuel के तौर पर liquid methane और oxygen को use किया जाता है। इन दो liquids को एक combustion chamber में डाला जाता है, जहाँ इनके combustion से एक explosive reaction produce होता है, और फिर इससे निकलने वाली heat को rockets के नीचे लगे ये cone shaped nozzle से बाहर निकाल दिया जाता है। अब नोजल का कोन शेप स्पेसिफिकली कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, जिससे मैक्सिमम एनर्जी को एक सिंगल एक यूनिडायरेक्शन में कॉन्सेंट्रेट किया जा सके। एंड डन, अब आएगा न्यूटन का 3rd लॉ ऑफ मोशन इनटू प्ले। नीचे की तरफ निकलती एनर्जी रॉकेट को ऊपर की तरफ पुश करती है, और इस फोर्स को कहते हैं थ्रस्ट। एक रॉकेट इंजन जितना ज्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा, रॉकेट उतना ही ज्यादा तेजी से ऊपर की तरफ उठेगा। And that's it. यही है बेसिक रॉकेट साइंस, जिसको काफी कॉम्प्लिकेटेड कहा जाता है। अब ऑब्वियसली हम सिर्फ इसके फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं, एडवांस रॉकेट्स में काफी एडवांस लेवल की इंजीनियरिंग होती है। And that's another story. लेकिन ऐसे ही रॉकेट्स को यूज करके नासा का मेन ऑब्जेक्टिव है 2025 तक इंसानों को फिर एक बार चांद पर भेजना, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। लेकिन यहीं पर एग्जैक्टली आती है एक मेजर प्रॉब्लम। हम सदियों से यही केमिकल कंबशन टेक्निक को यूज करते आ रहे हैं, और इस टेक्निक के अपने आप में काफी बड़े लिमिटेशंस हैं। इसका एक सबसे बड़ा लूपहोल ये है कि लिक्विड फ्यूल को जलाकर एनर्जी क्रिएट करना एक बहुत ही इनएफिशिएंट प्रोसेस है। इन द एंड यू वोंट बिलीव, बट हम फ्यूल का सिर्फ 1/3 से भी कम हिस्सा ही एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं। इन केमिकल रॉकेट्स को मैन्युफैक्चर करना भी बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। अगर आप कैलकुलेट करो तो सिर्फ एक छोटे से आधे किलो के सैटेलाइट को स्पेस तक पहुंचाने में 8.28 लाख रुपीज जितना खर्चा हो जाता है, जिसमें ज्यादातर पैसा तो फ्यूल में ही खर्च हो जाता है। इसके अलावा डोंट फॉरगेट अनदर मेजर लिमिटेशन, केमिकल इंजन्स से स्पेस ट्रैवल करना बहुत ही स्लो और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल, अगर अभी के बेस्ट रॉकेट फाल्कन हेवी को यूज करें, तो भी हमें मार्स तक पहुंचने में अराउंड 7 महीने लग जाते हैं। मतलब इतने टाइम तक एस्ट्रोनॉट्स को अपना वक्त लो ग्रेविटी एनवायरनमेंट में गुजारना पड़ता है। एंड यू वोंट बिलीव, लो ग्रेविटी में सबसे ज्यादा दिनों तक रहने का रिकॉर्ड रशियन कॉस्मोनॉट वैलरी पोलियाकोव के पास है, जो उन्हें मजबूरी में 438 दिनों तक यानी 15
महीनों तक स्पेस में बिताते हुए बनाना पड़ा। इतना टाइम स्पेस में बिताने की वजह से उनके बोन्स और मसल्स इतने वीक हो गए थे कि वापस आने के बाद अर्थ की ग्रेविटी से रीएडजस्ट करने में ही उन्हें 8 महीने लग गए। यानी अगर एस्ट्रोनॉट्स को केमिकल इंजन्स की मदद से मार्स पर भेजा गया तो मार्स पर इंसानों का पहला कदम शायद एक व्हीलचेयर पर होगा, शू प्रिंट की जगह पर व्हील प्रिंट होगा। और इसीलिए इन्हीं कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए नासा के पास एक ब्रिलियंट सॉल्यूशन है। नासा डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी DOE के साथ कोऑर्डिनेट करके न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट इंजन्स डिजाइन कर रहा है। इनफैक्ट नासा के पास दो तरह के न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट्स के डिजाइन भी रेडी है, पहला न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट इंजन और दूसरा न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक रॉकेट इंजन। एक न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट इंजन एक नॉर्मल केमिकल इंजन से ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बट फिर भी वो उनसे 2 गुना ज्यादा एफिशिएंटली एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। अब ये कैसे होता है ये समझना काफी सिंपल है। देखो, ये रॉकेट न्यूक्लियर रिएक्शन से सबसे पहले तो भारी मात्रा में हीट प्रोड्यूस करता है, और फिर जैसे ही रिएक्टर के बीच में से लिक्विड हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल पास किया जाता है, हीट की वजह से लिक्विड हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होता है और फिर रॉकेट के नोजल से हाई स्पीड्स में बाहर आता है। अब आप कहोगे कि नॉर्मल रॉकेट्स में भी तो ऐसा होता है, तो फिर डिफरेंस क्या है? तो चलो इसे एक सिंपल से इक्वेशन से समझते हैं। किसी भी रॉकेट की एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए इंजीनियर्स यूज करते हैं स्पेसिफिक इंपल्स। इसे मेजर किया जाता है कुछ ऐसे, थ्रस्ट फोर्स डिवाइडेड बाय फ्यूल फ्लो रेट। इसमें बस याद रखने वाली चीज ये है कि जितनी जल्दी फ्यूल रॉकेट की नोजल से बाहर आएगा उसका स्पेसिफिक इंपल्स उतना ही ज्यादा होगा। यानी रॉकेट की एफिशिएंसी बढ़ानी है तो बाहर आते फ्यूल की स्पीड को भी बढ़ाना होगा। नॉर्मल कंबशन इंजन्स में फ्यूल की स्पीड होती है 4 किलोमीटर प्रति सेकंड, जो काफी फास्ट है, बट एक न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट इंजन में हाइड्रोजन 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से बाहर निकलता है, यानी नॉर्मल से 2 गुना ज्यादा, और इसीलिए स्पेसिफिक इंपल्स एंड हेंस एफिशिएंसी भी 2 गुना ज्यादा बड़ी है। ना एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट और उतना ही असरदार भी। इसके अलावा दूसरा डिजाइन है न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक इंजन। इसमें एनर्जी जनरेट करने का कॉन्सेप्ट सेम ही है, बस यहाँ पर एक कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन के बजाय न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करके पहले इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, और पीरियोडिक टेबल के इस ज़ीनॉन एटम्स को आयोनाइज करके उन्हें नोजल से बाहर निकालकर एक्सेलरेशन जनरेट किया जाता है। बट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, बाहर निकलते ज़ीनॉन की स्पीड होती है 40 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट्स से भी 5 गुना ज्यादा, और इसी वजह से एफिशिएंसी भी 5 गुना ज्यादा। अमेजिंग राइट? इसीलिए नासा के साइंटिस्टों का कहना है कि हम न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक इंजन को यूज करके आराम से 100 दिनों के अंदर ही मार्स पर पहुंच सकते हैं। इतना ही नहीं, एक न्यूक्लियर इंजन से बना रॉकेट एस्ट्रोनॉट्स को सिर्फ 4 सालों के अंदर अर्थ से प्लूटो तक पहुंचा सकता है। अब 4 साल सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये मत भूलो कि यही डिस्टेंस कवर करने के लिए न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट, जिसने प्लूटो की हमें पहली HD फोटोज खींच के दी, उसे खुद 10 साल लग गए थे। और अब अगर देखा जाए तो नासा के कई सारे सैटेलाइट्स में इलेक्ट्रिक आयन इंजन ही यूज होते हैं, तो इससे एक ऑब्वियस सा सवाल तो उठता है कि हम इतनी देरी किस बात की कर रहे थे? हम इसे मार्स या किसी भी दूसरे प्लैनेट तक पहुंचने के लिए यूज क्यों नहीं कर रहे? ये कॉन्सेप्ट जितना सिंपल दिख रहा है ना, इसे एग्जीक्यूट करना इतना भी सिंपल नहीं है। यू सी, जैसे हमने देखा, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए फ्यूल की वेलोसिटी तो ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन एक और एक चीज है जो मायने रखती है, और वो है थ्रस्ट। थ्रस्ट फ्यूल की स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन डिपेंड करता है कि फ्यूल की क्वांटिटी कितनी बाहर फेंकी जा रही है। आयन इंजन्स में फ्यूल के तौर पर यूज होने वाले ज़ीनॉन की स्पीड तो ज्यादा है, लेकिन क्वांटिटी बहुत ही कम होता है, और इसीलिए आयन इंजन से बना रॉकेट अर्थ से लिफ्ट ऑफ भी नहीं कर पाएगा। सिर्फ एक बार रॉकेट स्पेस में पहुंचने के बाद ही आयन इंजन इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम भी है, न्यूक्लियर इंजन्स में यूज होता है हाईली रेडियो एक्टिव यूरेनियम आइसोटोप। आज इसे यहाँ अर्थ पर कंट्रोल करना बहुत ही रिस्की काम है, तो अगर इसे स्पेस इंजन्स में यूज किया गया और गलती से स्पेस में कोई एक्सीडेंट हो गया तो रेडियो एक्टिव यूरेनियम एस्ट्रोनॉट्स को पूरी तरीके से फ्राई कर सकता है। इनफैक्ट रशियन स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने अपने रॉकेट्स में न्यूक्लियर एनर्जी यूज करने का प्लान इन्हीं सब रिस्क फैक्टर्स की वजह से पूरी तरीके से खारिज कर दिया था, और इनके सबसे बड़े कंपेटिटर USA ने इसी रिस्क को मद्देनजर रखते हुए स्पेस इंजन्स में न्यूक्लियर फ्यूल को यूज करना काफी हद तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। यानी जब तक नासा न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन को कम्प्लीटली सेफ नहीं बना देती, वो हर स्पेसक्राफ्ट में न्यूक्लियर इंजन्स को फिट नहीं कर सकते। लेकिन अगर फ्रेंड्स नासा ने इसका भी तोड़ निकाल लिया, फिर भी एक प्रॉब्लम तो बची रहेगी। एस्ट्रोनॉट्स को फिर भी 100 दिनों के लिए लो ग्रेविटी में रहना ही होगा। अब आई नो
आर्टिफिशियल ग्रेविटी जनरेट करने का एक बहुत ही कॉमन मेथड हो गया है, पूरे स्पेसशिप को रोटेट करना। इसकी वजह से एक सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट होती है जो एस्ट्रोनॉट्स को जमीन से चिपकाए रखती है। बहुत सारी मूवीज में यह आइडिया यूज भी करते हुए दिखाया गया है, बट नहीं, यहां पर मैं इस आइडिया की बात नहीं कर रहा हूं। इस केस में स्पेसशिप को घुमाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल ग्रेविटी क्या है, एक तरह का एक्सेलरेशन ही, राइट? तो बस अगर हम रॉकेट को एक कांस्टेंट 2.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक्सेलरेट करें, तो स्पेसशिप के अंदर भी अर्थ जैसे ही ग्रेविटी जनरेट किया जा सकता है। तो अब आप बताओ, अगर न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट से स्पेस ट्रैवल इतना आसान हो गया तो उसके और क्या क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। और हाँ, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।